हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये लेग पीस फ्राई करने लगे हैं, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करते हुए जाएंगे। ये देखें, हमने ये लहसुन का पेस्ट डाला है और ये अदरक डाली है, और बाकी मैं अभी इसके अंदर ना ये कट लगा रही थी। तो चलें बाकी स्टार्ट करते हैं अभी इसकी रेसिपी को। ये मेरे पास तिक्का बोटी मसाला पड़ा हुआ है, ये देखें, और ये मैंने सफ़ेद जीरा और नमक है ये मैं डालूंगी। आप इसमें और भी मसाले डाल सकते हैं, जैसे सुरख मिर्च। अगर आप अपने बहुत स्पाइसी खाने हैं तो आप हल्दी डाल सकते हैं, इसमें सुरख मिर्च डाल सकते हैं। मैं इसमें अगर डालूंगी तो थोड़ी सी काली मिर्च, ब्लैक पेपर डालूंगी। अभी हम इनको मिक्स करेंगे हाथों से, ज़रा अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। आप ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है अच्छी तरह इसके ऊपर लगाएं। ये थोड़ी सी मैंने दड़ा मिर्च डाली है इसके अंदर, और ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर हम डालेंगे, काली मिर्च जो है, ताकि हल्का सा मिर्च तेज हो जाए। काली मिर्च की जगह आप इसमें सुरख मिर्च भी डाल सकते हैं। ये अभी मैंने मैरिनेट कर दिया, और अभी इसको मैं अफ्तारी के टाइम तक, मतलब जब मैंने इसको तैयार करना है तब तक मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में, और उसके बाद हम इसको पकाना शुरू करेंगे। तो आपके साथ सारी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आई होप आपको पसंद आएगी। ये अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, साथ हम जीरा पाउडर डालेंगे। और साथ ही हम इसमें चिकन डाल देंगे, लेग पीस जो है। ये हमने सारी इसमें डाल दी है, इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। फिर हमने अच्छी तरह पकाने हैं। अभी इसका ये पानी इसमें छोड़ दिया, तो ये पानी हमें खुश करना है उसी मसाले के अंदर। ये देखें, ये पानी का ये इसको खुश करेंगे हम, तब तक ये इलेक्ट्रिक की अच्छी तरह अंदर तक पक जाएंगे। देखिए, ये बिल्कुल खुश हो रहे हैं मसाला जो, और बड़े अच्छे लग के पक गए हैं। इनको बिल्कुल हमने खुश करना है मसाले को, ये इसके साथ बिल्कुल चिपक जाएगा। ये देखिए, ये मसाला बिल्कुल फिक्स हो गया। अभी अभी मैं इसको उतार लूँगी और थोड़ी ठंडा होने के लिए रखूँगी, और उसके बाद मैं इसको चूल्हे के ऊपर तंदूरी टाइप बनाऊँगी। आप इसको देखिएगा जरूर पूरी रेसिपी को, बहुत मज़े से ये बनते हैं लग के, बहुत टेस्टी। ये अभी मैंने चूल्हे से उतार लिया है, आप इस तरह भी इनको भी खा सकते हैं। ये देखें, ये बहुत ही अच्छे मज़े के हैं। मैं इस तरह भी कभी कभी बच्चों को खिलाती हूँ, बस इतना सा अच्छी तरह इसी मसाले के अंदर भून के। लेकिन इसके बाद जो मैं अभी, मतलब ये ठंडे हो जाएंगे, तो फिर मैं इसके बाद दोबारा इनको थोड़ा सा करूँगी, और अफ्तारी के टाइम तक इंशाल्लाह इनको रेडी कर लूँगी। ये अभी ठंडे हो गए हैं, मैंने निकाल के रखे हुए थे, अभी मैं इनको चूल्हे के ऊपर रखने लगी हूँ। बारबेक्यू टाइप हम बनाने लगे हैं, जैसे तंदूरी टाइप होते हैं ये। अब हम इस तरह बनाएंगे,
ये पहले मैंने वैसे हांडी में पकाए थे, अभी मैं इनको ग्रिल कर रही हूँ। सारे ना जाए सारे लफाड़े।